अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक अपडेट्स के हवाले से। EMUI 10.1 का रोल आउट प्लान शुरू हो चुका है यूरोप के लिए। इसके अलावा हुआ भी कुछ डिवाइसेज हैं मीडिया पैड जिसके अंदर EMUI 10.1 मिल रहा है, इस हवाले से बात करूंगा। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, वावे की तरफ से पहले चाइना के अंदर रोल आउट प्लान मिला था, जबकि अब यूरोप के लिए EMUI 10.1 का रोल आउट प्लान स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले EMUI 10.1 की बात करें तो सबसे पहले EMUI 10 P30 Pro के लिए मिला था, जिसके बाद वावे मेट 20 सीरीज और वावे मेट 30 सीरीज के लिए आया था, जिसके बाद 36 और डिवाइस थी जिनके अंदर EMUI 10.1 रोल आउट स्टार्ट हो चुका है चाइना के अंदर। अब यहाँ पे यूरोप के लिए भी रोल आउट प्लान वावे और ऑनर की डिवाइस के लिए शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको EMUI 10.1 का रोड मैप दिखाऊंगा जो कि यूरोप के लिए है। Huawei Mate 30 Pro मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने मॉडल के हिसाब से आप अपनी डिवाइस वगैरह को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल हमेशा से P30 सीरीज, P30 या कोई भी सीरीज है Huawei की या फिर ऑनर की, तो उसका मॉडल हमेशा से चेंज होता है। तो ये सारे मॉडल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप अपने मॉडल के हिसाब से उनको देख सकते हैं कि आपका मोबाइल का कौन सा मॉडल इस वक्त आपके पास मौजूद है। मॉडल आप देखने के लिए सेटिंग में जाएं, आप अपने मोबाइल की वहाँ पे आपको मॉडल नंबर मिल जाता है, आप उसको इससे मैच कर सकते हैं। Huawei P30 Pro के ये सारे मॉडल्स हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं यूरोप के लिए, और इसके अलावा ग्लोबल भी कुछ वर्जन्स हैं जो कि ग्लोबल सेम मॉडल के नाम से लॉन्च किए जाते हैं। तो आप अपना मॉडल यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपके पास इस वक्त जो भी मोबाइल है Huawei का अपना मॉडल वगैरह इस पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। Huawei Mate 20 सीरीज के यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं, वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास Huawei Mate 20 या फिर Huawei Mate 20 Pro है, उसके भी मॉडल मैंने शो कर दिए हैं। तो मॉडल के हिसाब से Huawei EMUI 10.1 का रोल आउट दिखाया गया है यूरोप के लिए, और बाकी ग्लोबल कंट्रीज के लिए भी बहुत जल्द प्लान आउट आ जाएगा। उसके लिए भी मैं टेक अपडेट्स के अंदर आपको अपडेट करता रहूंगा। मेट 20X, मेट 20X 4G, 5G, Huawei Nova 5T, उसके यहाँ पे मैंने सारे मॉडल शो किए हैं। Huawei के अलावा ऑनर की डिवाइसेस के लिए मैजिक UI 3.1 का भी रोड मैप बता दिया गया है। यूरोप की डिवाइसेस के लिए ऑनर V20, ऑनर V30, ऑनर 20 की डिवाइसेस के यहाँ पे मैंने मॉडल्स वगैरह आपको लिस्ट दे दिया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी डिवाइस कौन सी है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ की बात करें, Huawei मीडिया पैड M6 के लिए EMUI 10.1 रोल आउट स्टार्ट हो गया है, और ये भी न्यूज़ यूरोप के लिए ही निकल के आ रही है। तो बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत जल्द न्यूज़ निकल के आती रहेंगी, और मैं उस पर टेक अपडेट्स ज़रूर आपको देता रहूंगा। Huawei मीडिया पैड M6 के अंदर EMUI 10.1 रोल आउट स्टार्ट हो चुका है यूरोप के अंदर, और Huawei मीडिया पैड फ्लैगशिप टैबलेट है जो कि Huawei मीडिया पैड M6 सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल होता है। May 28 को चाइना के अंदर हुआ था स्टार्ट EMUI 10, जबकि अब यूरोप के अंदर EMUI 10.1 शो कर दिया गया है, रिसीविंग शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल EMUI 10.1 की अपडेट्स जिन जिन डिवाइसेस के लिए मिल रही है, मैं उस पर वीडियोस वगैरह बनाता जा रहा हूँ, टेक अपडेट्स के जरिए आपको अपडेट करता रहूँगा। तो फिलहाल मीडिया पैड M6 के अंदर EMUI 10.1.0.135 की अपडेट है, और 1.85 GB की ये अपडेट निकल के आ रही है। सेटिंग में चले जाएं, वहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप सपोर्ट ऐप के जरिए भी इस अपडेट को ले सकते हैं। EMUI 10.1 का जो चेंज लॉग है Huawei मीडिया पैड M6 के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो जो इसके अंदर न्यू फीचर मिल जाएंगे, क्योंकि Huawei EMUI 10.1 के अंदर काफ़ी सारे न्यू फीचर्स ऐड किए गए थे। तो इस हवाले से मल्टी विंडो भी इसके अंदर ऐड किया गया, आप स्प्लिट स्क्रीन मोड को ऑन कर सकते हैं, सेंड मैसेजेस फ्लोटिंग विंडोज के जरिए कर सकते हैं। तो मल्टी विंडो डॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मी टाइम स्क्रीन शेयरिंग मिल रहा है जिसके जरिए आप अपनी वीडियो कॉल्स को इजियर बना सकते हैं और अपनी स्क्रीन पर भी राइट कर सकते हैं। मल्टी डिवाइस ब्राउसिंग भी आ चुका है इसके अंदर, मल्टी डिवाइस कंट्रोल पैनल भी आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर मोर कनेक्शन में जाए, मल्टी डिवाइस कोलैबोरेशन को ट्राई कर सकते हैं। डार्क मोड भी ओवरऑल सारी एप्लीकेशंस के लिए आ चुका है, जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं टैबलेट्स के अंदर भी या फिर Huawei के मोबाइल्स के अंदर। तो ये थी आज की टेक अपडेट्स। मजीद टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।